सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के आलोक में 18 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस वर्ष मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा में 2021 का थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। इस माह के अंतर्गत जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पथ निर्माण से जुड़े सभी कार्यालयों, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर निकायों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के छात्र छात्राओं, पेट्रोल पंप डीलरों, परिवहन वाहन विक्रेताओं, वाहन प्रशिक्षण स्कूलों, PUC केंद्र, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्था, आम जनों इत्यादि की सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। उक्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से पूरे माह का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन दिनांक 18 जनवरी यानी आज से उद्घाटन सत्र एवं जागरूकता रथ को रवाना करने का काम किया गया, जिसके साथ सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो गया है। जिला मुख्यालय से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को फ्लैग ऑफ जिलाधिकारी ने किया। जागरूकता रथ जिला मुख्यालय से होते हुए सभी प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में संपूर्ण तक भ्रमण करेगी। इस रथ को रवाना करने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक नागरिक ग्रामीण सड़क सुरक्षा के नियमों को समझे एवं असुरक्षित ड्राइविंग एवं यात्रा से बचे। ये कहाँ कहाँ सर जाएगा? ये शहरी क्षेत्रों में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएगा? देखिए, आज 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन शुरू किया गया। ये पूरे एक माह का कार्यक्रम है जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा और इसमें करीब प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियाँ निर्धारित हैं और ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं जो सड़क पर चलते हैं, खुद गाड़ियाँ चलाते हैं या जो नागरिक पैदल चलते हैं या किसी भी तरीके से सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सुरक्षा उनकी सुविधा के लिए है। चाहे इसमें डायरेक्ट हो, सड़कों की सुरक्षा हो, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करना हो, ट्रैफिक नियमों के बारे में पालन करना हो या छात्र छात्राओं के बीच में ट्रैफिक नियम के जानकारी बढ़ाना हो, इस तरीके की अनेक गतिविधियाँ हैं जो अगले पूरे एक माह लगातार चलेंगी और उम्मीद ये है कि इससे लोगों के बीच में जो सड़कों पर चलने के लिए हम लोगों के जो नियम है, जो जागरूकता है, वो बढ़ेगी और ये सुरक्षित परिचालन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो रोड एक्सीडेंट्स कई बार होते हैं उनको हम लोगों को रोकने में मदद मिलेगी और उम्मीद यही है कि सब लोग अपनी भी सुरक्षा करेंगे और अपने साथियों की और आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करेंगे।